अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ये ना थी हमारी किस्मत के अदाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में। इन अदाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कई ड्रामों में अदाकारी का जोर दिखाने वाली अदाकारा आमिना मलिक की। अदाकारा आमिना मलिक एक अदाकारा के साथ साथ एक मॉडल भी हैं। अदाकारा आमिना मलिक अभी तक सिंगल हैं और इन्हें ड्रामा सीरियल ये ना थी हमारी किस्मत में एक्टिंग करते हुए देखा जा रहा है। और अब बात करते चलें कई ड्रामों में एक्टिंग करने वाले टैलेंटेड अदाकार खालिद अनम की। अदाकार खालिद अनम की फैमिली के बारे में बात की जाए तो इनकी बीवी का नाम तहमीना खालिद है, जो कि खुद शोबिज इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं। अदाकार खालिद अनम के दो बेटे हैं और इनके बड़े बेटे शोबिज इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं। और अब बात करते हैं बेशुमार ड्रामों में काम करने वाली अदाकारा हफ्सा भट्ट की। अदाकारा हफ्सा भट्ट एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ साथ एक मॉडल भी हैं। अगर इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो ये अभी तक सिंगल हैं। और अब बात करते हैं काफ़ी अरसा से टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई देने वाली अदाकारा सबा फैसल की। अगर इनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो इनके शौहर का नाम फैसल सईद है, जिनका शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है, जबकि सबा फैसल के दो बेटे और बेटी शोबिज इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं। सबा फैसल के बेटों और बेटी का शुमार पाकिस्तान के मशहूर और टैलेंटेड अदाकारों में होता है। अदाकारा सबा फैसल कई ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखा चुकी हैं और अब ये इस ड्रामा में एक्टिंग कर रही हैं। और अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल ये ना थी हमारी किस्मत में एक अहम किरदार निभाने वाले अदाकार नूर हसन की। अदाकार नूर हसन का ड्रामा सीरियल बेनाम काफ़ी मकबूल हुआ। इस ड्रामा में भी अदाकार नूर हसन ने एक अहम किरदार निभाया था जो इनके फैंस को काफ़ी पसंद आया। अदाकार नूर हसन एक अदाकार के साथ साथ एक मॉडल भी हैं। अगर इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इनकी फैमिली में किसी का ताल्लुक भी शोबिज इंडस्ट्री से नहीं है और अदाकार नूर हसन अभी तक सिंगल हैं। और अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल ये ना थी हमारी किस्मत में एक अहम किरदार निभाने वाली अदाकारा आयजा इवान की। अदाकारा आयजा इवान एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक मॉडल भी हैं। अदाकारा आयजा इवान को काफ़ी ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा जा चुका है। इनकी एक्टिंग को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। अगर अदाकारा आयजा इवान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करें तो ये अभी तक सिंगल हैं। और अब बात करते हैं बेशुमार ड्रामों में अहम किरदार निभाने वाले अदाकार मुनीब भट्ट की। अदाकार मुनीब भट्ट की अदाकारी को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। अगर अदाकार मुनीब भट्ट की फैमिली के बारे में बात की जाए तो इनकी वाइफ का नाम ऐमन खान है, जो काफ़ी ड्रामों में अहम किरदार निभा चुकी हैं। अदाकार मुनीब भट्ट और अदाकारा ऐमन खान की एक बेटी भी है जिसका नाम अमल मुनीब है। अदाकार मुनीब भट्ट और अदाकारा ऐमन खान की जोड़ी को इनके फैंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जाता है। और अब बात करते चलें कई ड्रामों में अहम किरदार निभाने वाली काफ़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस हीरा मानी की। अदाकारा हीरा मानी की एक्टिंग को इनके फैंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जाता है। अदाकारा हीरा मानी ड्रामा सीरियल ये ना थी हमारी किस्मत में भी एक अहम किरदार निभा रही हैं। अगर अदाकारा हीरा मानी की फैमिली के बारे में बात की जाए तो इनके शौहर का नाम मानी है, जो कि खुद एक मशहूर एक्टर हैं। अदाकारा हीरा मानी और अदाकार मानी के दो बेटे हैं। अदाकारा हीरा मानी का ड्रामा सीरियल में हारी पिया काफ़ी मकबूल रहा। इस ड्रामे में इनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के आइकन पर क्लिक करके आल पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।